हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पार्टमेंटल एग्जाम को लेकर के, यानी कि टर्म टू का सिलेबस। सिलेबस कुछ इस तरह है: जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अक्रेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर कुछ प्रॉपर्टी जैसे मेटालिक प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एटोमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। तो आपको सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा होगा, इसलिए मैंने समराइज करके नोट्स जैसा बना दिया, आप उसको ध्यान से देख लो। सबसे पहली बात होती है कि पीरियोडिक टेबल में ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जैसे डी ब्लॉक वाले हैं या एफ ब्लॉक वाले, वो कहाँ लाई करते हैं। तो डी ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल का है, वो ग्रुप 3 से 12 को कहते हैं, ठीक है, इतना याद रख लोगे। इसका नाम ट्रांजिशन दिया गया है, ठीक है, बिकॉज इसका कारण जानना जरूरी है, बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, राइट साइड में फिर पी ब्लॉक, ठीक है, और नीचे आपका एफ ब्लॉक है ना। तो ये जो है वो एस से पी के बीच है, तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। यहाँ पे 4 सीरीज होंगे इसके, 3D सीरीज, 4 जो कि Sc2Zn यानी कि स्कैंडियम टू जिंक, 4D सीरीज होगा वो Y2Cd, 5D होगा LaHF2HG मतलब मर्करी, एंड 6D सीरीज होगा आपका Ac, UnQ, UuB। ये एलिमेंट्स के नाम है, ये आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स है। तो ये आपको जो सीरीज है 4 ट्रांजिशन सीरीज, वो आपको जाननी है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, एग्जैक्टली ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है बच्चों, इसको हम डिफाइन करते हैं एज वन विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। कुछ डी ब्लॉक में रहने वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो टेक्निकली होने चाहिए ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन नहीं, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं लेकिन सभी ट्रांजिशन नहीं है। डी ब्लॉक में आउटर शेल में जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 10 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो उन एटम्स जिनके पास 10 इलेक्ट्रॉन से कम है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी कर सकते हैं ना, ट्रांजिशन कर सकते हैं, इसीलिए वो ट्रांजिशन होंगे। इसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। ये रहते तो डी ब्लॉक में है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका D10 जो है वो पूरा का पूरा फिल्ड है। तो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। यहाँ पे देखो बच्चा, इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, 3D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन है 3D 1 to 10, 4S 1 to 2। उसी तरीके से अब एक एक बढ़ाते जाओ, 3D में 3D वाला था, तो 4D में आपका D जो होगा वो 4 में होगा, 4D 1 to 10 और 5S 1 to 2। 5D सीरीज में 5D 1 to 10 और 6S 1 to 2। 6D सीरीज में 6D 1 to 10 एंड 7S 1 to 2, ठीक है। तो ओवरऑल अगर जनरल आपको पूछा जाए कॉन्फ़िगरेशन, N-1, D 1 to 10 और NS 1 to 2। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, राइट। अब अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, क्योंकि सिलेबस इसमें काफी कुछ है, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ये एस और पी ब्लॉक के बीच है, एस ब्लॉक वाले मेटल्स हैं, पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल्स हैं। तो ये जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले होते हैं, राइट। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है। सो दिस गिव्स राइज टू द प्रॉपर्टी लाइक हाई डेंसिटी, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाई MP एंड DP। तो इन कारणों से मेटेलिक कैरेक्टर इनका अच्छा है। एटोमिक रेडियाई की बात करें बच्चों, तो यू भी आप जानते हो लेफ्ट से राइट जो है वो साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एटॉमिक रेडियाई व्हेन यू गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट विल डिक्रीज, ठीक है। हालांकि एटॉमिक साइज ऑफ फेरस, कोबाल्ट एंड निकल इज ऑलमोस्ट सेम। इसका कारण क्या है, ड्यू टू अट्रैक्शन, क्या होता है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज कैंसल्ड बाय रिपल्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। दो काम होता है, एक तो होता है न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस का जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बढ़ जाता है, और दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट, दोनों में से जो जीतेगा उस टाइप का साइज होगा। तो यहाँ पर इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इन दोनों का फोर्स जो है, एक है आपका इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है रिपल्सिव फोर्स, ये लगभग बराबर है। कॉपर और जिंक जो है दे हैव बिगर साइज बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डिक्रीजेस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये ध्यान से देखना। देन देयर इज अ पॉइंट जिसको कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। द स्टीडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स
इंक्रीजेज, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, साइज घटता जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d. इसका कारण क्या है कि 4f, अब चूंकि फोर्थ पीरियड में f ब्लॉक शुरू हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन f में फिल होंगे बिफोर 5d. इसकी वजह से क्या होगा, दिस कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, दिस इज बिकॉज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दैट द एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकेंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द थर्ड रो. देखो सेकेंड रो, जैसे ऊपर वाला ये मान लो कि ये पहला रो है, ठीक है, फर्स्ट रो, इसके नीचे दूसरा रो, तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो साइज को बढ़ना चाहिए था, लेकिन साइज बढ़ा नहीं है. उसका कारण क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपसे पूछा जाएगा. इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले 4f में जाएगा फिर 5d में जाएगा, तो इस वजह से लेंथेनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी. आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगती है. तो यहाँ पर थोड़ी सी इरेगुलरिटी है, दिस इज स्लाइट एंड इरेगुलर वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी. जो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा सा वेरिएशन है. आयोनाइजेशन ऑफ 5d ट्रांजिशन एलिमेंट इज हायर देन 3d एंड 4d. तो बस ये बात याद रखना कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी 5d का ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू 3d एंड 4d ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. चूंकि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ n-1d. क्योंकि d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भागते हैं d ऑर्बिटल से ताकि अलग अलग बॉन्डिंग कर सके. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देखो बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डाइमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये एलिमेंट शो करते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके साथ होता है. और ये एलिमेंट्स कलर शो करते हैं, उसका कारण भी वही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दिस इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम देन डिक्रीजेस. तो बेसिकली आप जान लो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें होती है, इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं. कारण क्या है, प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, लार्ज सरफेस एरिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. बहुत सारे एलिमेंट्स आपने इन सबको देखा होगा, आयरन, निकल, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, प्लैटिनम, ये सभी कैटलिस्ट की तरह हम यूज करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, ये डीडी ट्रांजिशन जो है ना उसकी वजह से क्या होता है, कंपाउंड कलर शो करते. जैसे इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट में गया, ठीक है, वहां से जब वापस आया तो वो क्या करेगा, कलर शो करेगा. तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड होता है. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, आपने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा होगा उसमें ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो इस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. उसका कारण क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल का होना, साइज का छोटा होना एंड हाई चार्ज ऑन कैटायंस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स. ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनमें वॉइड्स होते हैं यानी कि खाली जगह होती है. और इंटरस्टीशियल्स इन विच कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन एटसेट्रा कैन फिट. तो छोटे एटम्स होते हैं उसमें फिट हो सकते हैं. ठीक है, तो फिट होंगे तो क्या होगा, इंटरस्टीशियल कंपाउंड बन सकता है. और ये जो कंपाउंड्स जैसे कि स्टील है, दे आर हार्डर एंड लेस मेलिएबल एंड डक्टाइल. एलॉय फॉर्मेशन, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये एलॉय फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. आप देख लो ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट से ही बने हुए हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड देख सकते हो बच्चों, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, हालांकि +2 एंड +4 भी एग्जिस्ट करता है. एक्सेप्ट प्रोमीथियम, ज्यादातर लेंथेनॉइड जो होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं. और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनॉइड्स आर लेस कॉम्प्लेक्स देन एक्टिनॉइड. एक्टिनॉइड आपको फिलहाल नहीं पढ़ना, बट लेंथेनॉइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू दैट. ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी. दिस इज ऑल यू हैव टू स्टडी. और बच्चों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे. सारे चैप्टर्स के मैंने वीडियो बना दिए हैं, देख लीजिए ताकि आपको रिविजन हो सके. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बना दी है तो आप देख लीजिए, यू विल फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स.